अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। फिलहाल इसका सामना करो, ये लो। अच्छा निमृत, एक बात बता, तुम्हें क्या लगता है कि विराट अचानक से ऐसे वहां क्यों गया? क्योंकि हमें इन लोगों के पैसे की जरूरत नहीं है। क्रिस्टल, क्योंकि भाई का ईगो इतना बड़ा है कि वो अपना बदला लेकर ही रहता है। रॉन्ग, विराट ना अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। एक्चुअली उसने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे जो कि इस लड़की की वजह से आए, इसलिए वो उसे वहां रुलाने के लिए गया, और देखना रुलाकर भी आएगा। शट अप शेकी, तुम और तुम्हारा दोस्ताना ना अपने तक ही रखो। भाई की गलती तो तुम्हें कभी नजर ही नहीं आती। तुम्हें पता है तुम आज तक सिंगल क्यों हो? क्योंकि तुम्हें भाई के अलावा कभी किसी से प्यार करना सीखा ही नहीं। अब चुप रहो। 40,000? मैंने कहा था ना, हल्के में मत लेना आहूजस को। दिल्ली से है यार, आहूजस की पार्टी गेट क्रश की, अब थोड़ा नुकसान तो होगा ना तुम्हें। और पैसे तो दे नहीं सकती आज। चलो एक काम करो, अगर राजीव पे नहीं कर सकती इसमें ना, बस साइन करो, एज अ गारंटी मैं रख रहा हूँ। 40,000 की आपको गारंटी चाहिए? या पेन लाइए, मैं साइन करता। पेन भी नहीं तो मैं क्या करूं? नस करके खून से लिख के दूं आपको कि मैं कहीं भागूंगी नहीं। मैं धोखेबाज नहीं हूं, 420 नहीं हूं, खून से लिख के दूं आपको। वो डूड रिलैक्स, मजाक कर रहा था। मजाक नहीं चलेगा यहाँ। आपका यॉट नहीं है कि कुछ भी करेंगे। आपके दिल्ली में चलता होगा, ये सब मुंबई में नहीं चलता। मैं मजबूर हूँ लेकिन हारी हुई नहीं हूँ। कोई चुका नहीं सकता मुझे। गारंटी चाहिए ना आपको। हमारे बाबा को आपकी जरूरत होगी, मेरी आई के बच्चों को आपकी जरूरत नहीं है। आओ। मिल गई गारंटी। देखा, कहा था ना। अमृता, बेवकूफ लड़की, इसको अपने नाम का स्पेलिंग तक नहीं आता। अरे अमृता में आर के बाद आए आता यू नहीं, अमृता। ला मुझे दे। तू ऑटो लेकर आया, टैक्सी लानी थी। अरे बहुत ढूंढा, नहीं मिला अभी। सामान है इतना, आराम से। जीवन के इस मोड़ पे छुप सी गई है खुशी। हेलो, होटल ब्लू मून जी। मैं अमृता चिटनिस बोल रही हूँ। हमारा रिजर्वेशन होगा, 3 लोग हैं हम लोग, बस पहुँचने ही वाले हैं जी। थैंक यू। ब्लू मून, हम लोग वहाँ रुकने वाले हैं। ताई ताई, इतने पैसे हैं हमारे पास, ये पहले किसी की जेब काट ले। हर्ष, तू बिल हर्ष तू चिंता मत करना, वो वाउचर्स है ना मेरे पास। अरे आई, तुझे याद है ना,
मुझे वाउचर मिला था, जब मुझे एम्प्लॉई ऑफ द मंथ का रिवॉर्ड मिला था तो मैंने बचा के रखा था ताकि ताकि अपने बाबा की बर्थडे की पार्टी कर सके। है ना? लेकिन शायद आज ही के दिन के लिए बची हुई है ना? हाँ, और नहीं तो क्या? अरे पार्टी का मौका भी तो है। अरे वो देख, वो फिल्म आई थी, उसका गाना बड़ा फेमस हुआ था, वो ब्रेक हो गया, वो पार्टी ब्रेक फेल नहीं रे, ब्रेकअप के बाद वो पार्टी करने, वो कौन सा गाना था? ब्रेकअप कर लिया। हाँ, ब्रेकअप कर लिया। वो तुम्हारे पापा के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया ना, कट्टी हो गई, तो हम पार्टी करेंगे हम भी। लेकिन पहले तू अपने आंसुओं को भूल कि कोई और आंखें ढूंढ ले घर करने के लिए। तेरे बच्चे हैं तेरे पास, तू हारेगी नहीं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई बप्पा है ना, बप्पा कुछ करो, आई को इतना दुख में नहीं देख सकती मैं। विराट यहाँ तक पीछा कर रहा है हमारा? पीछा कर रहा है मतलब? हाँ, ये क्या कर रहा है हमारे पीछे? पैसे वाली बात बताकर और स्ट्रेस नहीं दे सकती मैं। आप वो हम उसके छत पे नाच रहे थे ना, अब ये हमारे सर पे नाच रहे। अरे देवा, इतना फालतू है क्या? प्लीज हाँ, मैं कोई फालतू बात नहीं कर रही हूँ। आपकी ना कोई सीओगिरी नहीं चली उस लड़की के आगे, बल्कि उल्टा वो बॉस लग रही थी। सर पर पैर रखकर भागना किसे कहते हैं? वो मैंने आज अरे बस 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 हाँ, तुम दोनों को हो क्या गया यार? मेरी बात कर रहे हो तुम लोग ना? विराट मुझे ना कभी उससे पंगी लेने वालों से भागता नहीं है, बल्कि उनको दौड़ाता है, और ऐसा दौड़ाता है जब तक वो अपने घुटनों पे आके गिर ना जाए। इस लड़की ने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा इसे। अरे अरे अमु, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।